सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया तो सब लोगों ने कहा कि ये बहुत ही गलत बात है कि आज अन्ना जी का छठा अनशन का दिन है और सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव अभी तक नहीं आया है बातचीत के लिए। दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो हम प्रधानमंत्री जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि हम किससे बात करने के लिए कहाँ आएं और कितने बजे आएं। तीसरी बात, कल अन्ना जी के अनशन को एक हफ्ता पूरा हो जाएगा। देश के सभी लोगों से निवेदन है कि अपने अपने सांसदों को आप पकड़िए। हमने उनको वोट डाल के चुना था, हमने ये सोचा था कि हम उनको वोट डाल के चुन रहे हैं, वो हमारी बात को संसद में ले जाएंगे। अपने अपने इलाके में अपने अपने सांसदों के घर के बाहर धरना कीजिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली बताएं कि वो सरकारी लोकपाल बिल के साथ हैं कि जन लोकपाल बिल के साथ हैं। हर गांव के लोग, हर शहर के लोग, हर मोहल्ले के लोग, हर तबके के लोग अपने अपने सांसदों को पकड़ें और अपने अपने सांसदों को कहें कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप किस बिल के साथ हैं, सरकारी लोकपाल बिल के साथ है कि जन लोकपाल बिल के साथ हैं, सरकार के साथ है कि अन्ना हजारे के साथ है। सांसदों को बताना पड़ेगा। हम ये भी अपील करना चाहते हैं, यहाँ पे ढेर सारे लोग आए हैं और भी जो जो लोग अभी देख रहे हैं कि दिल्ली में भी सब मंत्रियों के घरों के सामने भी धरना देने की जरूरत है। सब मंत्रियों के घरों के सामने धरना दिया जाए और उनसे भी पूछा जाए कि आप बताइए कि आप किसके पक्ष में हैं। सब विपक्षी पार्टी के नेताओं के घरों के सामने भी धरना दिया जाए, उनसे भी पूछा जाए कि आप अपनी स्थिति साफ कीजिए। सब लोग कहते हैं कि अन्ना का अनशन बहुत अच्छा है, अन्ना का आंदोलन बहुत अच्छा है, पर जब हम पूछते हैं कि जन लोकपाल तो वो चुप हो जाते हैं। तो हम सारी पार्टियों से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि वो भी बताएं, हर पार्टी बताए कि जन लोकपाल बिल की कौन सी बात उन्हें मंजूर है और कौन सी बात उन्हें मंजूर नहीं है, और जो जो बात उन्हें मंजूर नहीं है हम इस मंच पे उन सब लोगों को आमंत्रण देते हैं कि यहाँ पे वाद विवाद किया जाए सारी जनता के सामने। जो जो बातें उन्हें मंजूर नहीं है यहाँ पे उसका निर्णय हो सारे देश के सामने, सारे मीडिया के सामने। जो जो बातें जन लोकपाल बिल की मंजूर नहीं है हम बड़ी विनम्रता के साथ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे वाद विवाद करना चाहते हैं। हम सरकार को निमंत्रण देते हैं, हम एनजीओज को निमंत्रण देते हैं। कल हमें पता चला कि एनसीपीआरआई ने एक और बिल प्रेजेंट किया है, हम उन्हें भी निमंत्रण देते हैं कि यहाँ पे आए और हमारे साथ यहाँ पे वाद विवाद करें सारे देश की जनता के सामने। आज शाम को इंडिया गेट से एक महारैली निकाली जाएगी। सब लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंडिया गेट पे पहुंचे और इंडिया गेट से हम सब लोग चल के रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया गेट पे पहुंचे, हम सब लोग इंडिया गेट पे आएंगे। 5 बजे इंडिया गेट, 5 बजे इंडिया गेट, 5 बजे इंडिया गेट। और साथियों, कल एक बहुत बड़ा दिन है, कल मुसलमान भाइयों का रोजा है और हिंदुओं की जन्माष्टमी है। तो कल शाम को हम लोग यहाँ पे रोजा इफ्तार करेंगे और रात को जन्माष्टमी का व्रत खोलेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें ये बच के रहना है क्योंकि हमारी सरकारों ने, हमारी पार्टियों ने अंग्रेजों से सीखा है डिवाइड और रूल। हमें एक मुट्ठी के तरह जाति और धर्म से ऊपर उठ के इकट्ठे रहना है। तो मोटी मोटी ये बातें आज हमारी मीटिंग में तय हुआ था। हम बहुत खुश हैं कि आज हमारे साथ हमारे देश का गौरव बढ़ाने वाले ढेरों अर्जुन अवार्डी हमारे साथ आए हैं, जिन्होंने देश को खेल के जगत में, हमारे देश का नाम रोशन किया था। अभी वो सब लोग स्टेज के ऊपर आएंगे, मैं उनसे निमंत्रण करता हूँ।